आज क्लास 10 का पढ़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स पे सबसे पहले फोकस करने जा रहे हैं। फिजिक्स में वैसे तो है 5 चैप्टर, लेकिन सबसे पहला जो इस चार्ट में दिया हुआ है वो है दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग भी शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। बहुत ही आसान चैप्टर है, और जिसको फिजिक्स लेना है या आगे इंजीनियरिंग करना है इलेक्ट्रिकल से, उसके लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसका हम लोग सबसे पहले कंटेंट्स लिख लेंगे। कंटेंट्स इसका कुछ खास नहीं है, बस बुक में तो बहुत सारा है, लेकिन अगर शॉर्ट में देखा जाए तो 9 में ही ये काम चल जाएगा। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट, उसके बाद उससे रिलेटेड ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम एंड सो ऑन। आप लोग इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सबसे पहले आता कहाँ से, सबसे पहले शुरू किधर से होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। अब थर्मल पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना या फिर हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना, यह सब तो एक अलग से चैप्टर ही है क्लास 10th में ही, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें तो खैर डिटेल से देखना ही है। लेकिन कुछ बेसिक्स हमको यहाँ पे अगर जान लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे समझने के लिए। सबसे पहले उसमें बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो जानते होंगे कि थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले कोल को, यानी कि कोयला को जलाया जाता है। जलाने के बाद फिर उसको हम लोग टरबाइन, उसको जो हीट स्टोर होता है उसे टरबाइन चलाते हैं, फिर टरबाइन को फिर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो हो गया, यानी कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग के पास आ रहा है ये तो कन्फर्म है कि वहाँ से एनर्जी के फॉर्म में चला है। अब एनर्जी के फॉर्म में वहाँ से चला तो है, लेकिन हम लोग के पास क्या आ रहा है, करेंट आ रहा है। तो करेंट कैसे कन्वर्ट कैसे हुआ ये एनर्जी करेंट में, ये तो हम लोग को जानना पड़ेगा सबसे पहले। उससे भी पहले एक और बात, करेंट तभी है जब चार्ज है, अगर चार्ज नहीं तो करेंट भी नहीं। आप लोग थोड़ा बहुत पहले से अगर जानते होंगे क्लास 8 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ना था, वहाँ पे उसमें थोड़ा बहुत बताया गया था करेंट के बारे में, क्लास 8 में ही पढ़ना था। खैर अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में जानेंगे और बहुत बेसिक से जानेंगे। किसी का अगर छूट गया है या कोई पहले से नहीं पढ़ा है तो उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम लोग यहाँ डिटेल में जानने वाले हैं। अब सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग रियल लाइफ में, हम लोग जो इंसान है जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो कैसे यूज कर रहे हैं। करेंट आ रहा है, करेंट आने के बाद फिर हम लोग का फैन चल रहा है, फिर हम लोग का बल्ब चल रहा है, या फिर कुछ भी मोबाइल चार्ज हो रहा है, कुछ भी तभी हो रहा है जब करेंट हम लोग का आ रहा है तो। और किसके थ्रू आ रहा है, वायर के थ्रू आ रहा है। ये एक सवाल मैंने शुरू में ही बताया था कि एनर्जी से कन्वर्ट कैसे हो रहा है करेंट में, अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा तो क्या एनर्जी और करेंट सेम है। ये सब का एक सवाल मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि क्या एनर्जी और करेंट सेम है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सेम नहीं है, लेकिन कैसे वहाँ से चला था एनर्जी, कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट में जब हम लोग वहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम लोग को मिला था तो वहाँ से तो एनर्जी था मेरे पास, तो एनर्जी को हम लोग करेंट में कैसे कन्वर्ट किए, अगर नहीं किए तो फिर क्या किए। तो इसका जवाब आपको जब क्लास एंड होते रहेगा, यानी कि ये चैप्टर जब एंड होते रहेगा, जब यहाँ पे हीट और पावर पढ़ा रहे होंगे, उस समय इस बात का आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट। टॉपिक है सबसे पहला इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में अगर हम बात आगे करें तो अगर आपसे हम पूछें कि इलेक्ट्रिक करेंट चल के आ रहा है, कैसे चल के आ रहा है, तो वायर के थ्रू, जैसे कि यहाँ वायर है, मैंने बनाया वायर, वायर से चल के तो आ रहा है इलेक्ट्रिक करेंट, लेकिन क्या वो करेंट कहीं भी, मतलब ऐसे कहीं भी तो नहीं चलेगा ना। तो अगर हम प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन मांगे कि ये कैसे बिना किसी के सपोर्ट के करेंट सीधा कैसे चल सकता है, तो कोई उसको सपोर्टिंग कैरेक्टर में वहाँ पे रोल प्ले करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो वो सपोर्टिंग कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है वो कर रहा है चार्ज। अब चार्ज का क्या काम होगा, जैसे एक वायर और थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा, जैसे एक वायर है इसमें बहुत सारा चार्ज होगा। अब क्योंकि वायर बना हुआ है किससे, कॉपर से बना हुआ है या फिर एल्यूमिनियम से बना हुआ है या फिर सिल्वर का बना हुआ है, डिपेंड करता है कि हम लोग वायर कौन सा यूज कर रहे हैं। खैर वायर तो यूज कर रहे हैं, मुद्दा ये है
तो जब हम लोग वायर यूज कर रहे हैं तो वायर में तो बहुत सारा चार्ज जहां तहां होगा, मीन्स ऐसा कि एक तरीके से वो अरेंज्ड नहीं होगा, जिगजैग होगा, जहां तहां होगा। तो होता क्या है कि जब इसको सिग्नल मिलता है, क्या चीज का सिग्नल मिलता है, जब इसको पता चलता है कि उधर से पावर आ रहा है, उधर से एनर्जी सपोर्ट कर रहा है और वोल्टेज उधर से बढ़ रहा है, तो इसको सिग्नल मिलता है कि उस सिग्नल से ये अपने आप को अरेंज कर लेता है। कैसे अरेंज करता होगा, कुछ इस टाइप का सब अरेंज हो जाता है, एक वे में अरेंज हो जाता होगा। अब ये चार्ज एक वे में अरेंज हो गया, ये वायर है उसके अंदर चार्ज, एक वायर है जिसके अंदर चार्ज जो है एक वे में अरेंज हो गया। अब अरेंज होने के बाद अब आना किसको है, आना करेंट को है। अब करेंट को आने में थोड़ा इजी हो गया, कैसे, अब ये चार्ज पे से चल करके आ जाएगा, इजी हो गया करेंट के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले करेंट जो है, यानी कि करेंट किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब ये मत बोलिएगा आप लोग क्लास 10th में आकर के ये सिंबल नहीं पता है, ये सिंबल डायरेक्टली रिलेशन का सिंबल है, डायरेक्ट रिलेशन को दिखाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वैसे इसको भी बताने का मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे कभी आप भूल ही नहीं पाएगा, वो खैर बाद में। पहले करेंट जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर चार्ज ज्यादा अरेंज हो जाएगा तो करेंट को आने जाने में आसानी होगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखे कि चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो करेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सिंपल से। क्यों, क्योंकि चार्ज है तभी करेंट है, अगर चार्ज नहीं तो करेंट नहीं। और आपको जहां तक कि सबसे पहले कंटेंट्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है, करेंट, तो इसका मतलब करेंट सबसे जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन करेंट के लिए भी जरूरी है चार्ज। तो उस हिसाब से अगर हम आपसे पूछें सवाल या क्वेश्चन, जिसको अगर इस तरीके से कोई भी पूछता है, कोई भी पूछ हाँ, तो पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक इसेंशियल कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला तो ध्यान देना है बेसिक पे, यानी कि बेसिक मतलब सबसे जो बारीक है या सबसे जो स्टार्टिंग में हेल्प करता है वो, जैसे हम लोग का सेल बेसिक है, फिर एटम बेसिक है, वैसे ही यहाँ पे बेसिक क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, तो करेंट नहीं है, करेंट का भी एक बेसिक है वो है चार्ज। तो आंसर होगा चार्ज, यानी कि चार्ज इज द बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स है बिना सिंबॉल के तो काम चलेगा नहीं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो फिलहाल हम सिर्फ करेंट और चार्ज के बारे में बात करते हैं, बाकी का अब हम सोच रहे हैं कि बाकी का एक साथ लिखा ही देंगे इसके बाद, लेकिन अब क्योंकि पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग सिर्फ यहाँ करेंट और चार्ज का सिंबॉल पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले करेंट का जो सिंबल है वो अगर किसी भी नाबालिग बच्चे को भी अगर बुलाया जाए, अगर पूछा जाए कि करेंट का सिंबल क्या होगा बाबू, तो क्या बोलेगा, सी पहला लेटर, लेकिन ऐसा है नहीं, धोखा। अब शास्त्रार्थ में इसे धोखा कहा गया, लेकिन अब याद करना ही पड़ेगा, सी की जगह हम लोग क्या है यहाँ पे, सी नहीं है, पहली बार सी की जगह है क्या, आई। अब आगे चार्ज का देखते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो करेंट का सी नहीं हुआ तो कम से कम चार्ज का ही सी हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी धोखा है, मतलब एक तो धोखा पहले से था, एक और धोखा चार्ज का भी सी ना हो करके क्यू है, मतलब कि करेंट का आई है और चार्ज का क्यू है सिंबल। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि आई जो है वो क्यू के डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर क्यू बढ़ेगा तो मेरा आई भी बढ़ेगा, यानी कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। सिंबल तो हम लोग खैर देख लिए, वो मतलब अच्छा था, लेकिन अब हम लोग को आगे भी देखना पड़ेगा इसका असाइनमेंट का भी सिंबल। अभी फिजिक्स में सिंबल का खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे बहुत चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन अगर हम लोग एक एक करके देखें, या मतलब चार पांच क्वेश्चन अगर बना ले, खैर अभी ये तो ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे वीडियो है, अगर ऑनलाइन क्लास होता या फिर हम लोग अगर सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो करते ही। हालांकि अगर क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, उस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको तो हम पहले बता दें कि आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिलहाल देखेंगे तब ना जब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो करेंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अब चार्ज के अलावा भी कुछ चीज पे डिपेंड करता है करेंट। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि चार्ज जो है अरेंज होने में बहुत समय लग गया, मतलब कि चार्ज अरेंज हो रहा था ना, यहाँ पे चार्ज अरेंज हो रहा था, लेकिन अरेंज होने में लग गया 5 घंटा,
तो क्या करेंट उतना देर तक वेट करेगा? मतलब करेंट समझो कि नेगलिजिबल हो जाएगा वहां पे, क्या फायदा ऐसा 5 घंटे वाला चार्ज अरेंज करने में ही लग जाए तो। इसका मतलब एक चीज और है जिस पे करेंट डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? टाइम। मतलब टाइम अगर ज्यादा लेंगे तो करेंट मेरा एकदम ना के बराबर रहेगा। तो इसका ये मतलब निकल के सामने आता है कि मेरा जो करेंट है वो टाइम के इन्वर्सली रिलेशनशिप में है। कैसे? अभी जस्ट बताया कि टाइम को अगर हम बढ़ा रहे थे, यानी कि टाइम अगर मेरा बढ़ रहा था तो करंट क्या हो गया मेरा? अचानक से कम गया, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट उतना देर वेट थोड़ी करेगा, या तो वहां से वापस हो लेगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब वापस होने का सिस्टम तो हम लोग जब हाई क्लास में जाएंगे तो वापस होने का कोई सिस्टम नहीं है, अगर बगल में वायर है तो उससे होके निकल जाता है। जहां पे ज्यादा रेसिस्टेंस, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस जहां पे होता है ना, वहां करंट जाता ही नहीं, अपना आसान रास्ता चुन के वहां निकल देता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा समय हम वेस्ट करेंगे चार्ज को अरेंज करने में, करंट मेरा उतना घटेगा। अब सीधी बात ये कि टाइम को बढ़ाएंगे तो करंट मेरा घटेगा। तो टाइम के कैसा रिलेशन में होगा? इनवर्स रिलेशन में, क्योंकि एक को बढ़ा रहे थे तो दूसरा घट रहा था। और यहाँ पे चार्ज के कैसा रिलेशन में था? चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में था। जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा से करेंट, यानी कि उतना ज्यादा करेंट। तो अगर हम इसको दोनों को एक साथ लिखे, ये टाइम वाला इन्वर्स रिलेशन को और चार्ज वाला डायरेक्ट रिलेशन को, तो कुछ ऐसा बने, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी आया, तो इसको अब हम लोग पहले, यानी कि बचपन में ही एक चीज पढ़ना होता है क्लास 8 में ही, कि अगर हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, यानी कि अगर ये सिंबल हटाना है और इज इक्वल टू डालना है इसके बदले, तो हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे, जैसे के कांस्टेंट डाल देंगे तो आई इज इक्वल टू के क्यू बाई टी आना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन आप लोग अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो के तो कहीं रहता नहीं है फॉर्मूला में। तो एक्चुअली इसका खेल जो है ना, वो 11th में खेला जाएगा, एक्चुअली 11th में नहीं 12th में, जहां पे करेंट के बारे में बताएगा। और वहां पे जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसके वजह से के वाला खेल यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग उतना डिटेल में तो देखा नहीं है। हम लोग सीधा अभी ये समझते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको 1 मान लिया गया है, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर डेफिनेशन पूछे अब करेंट का कोई, तो जैसा कि हम लोग बचपन में भी डेफिनेशन देते थे ना, किसका? स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू बी टी था। यहां से हम लोग भी निकाल लेते थे, एस बाई टी। अब इसका अगर याद हो स्पीड का डेफिनेशन, तो स्पीड का डेफिनेशन ये नहीं हम लोग कहते थे कि स्पीड है क्या, हम लोग उसका डेफिनेशन देते थे डिस्टेंस और टाइम का हेल्प। क्या देते थे? कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा करके हम लोग डेफिनेशन देते थे। तो यहां भी सेम उसी प्रकार से डेफिनेशन दे देंगे। क्या डेफिनेशन देंगे? करेंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, करेंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है। अगर हम लोग को वाकई में करेंट क्या होता है ये पूछ दिया तो करेंट क्या है, तो इसको हम लोग को जानना पड़ेगा ना। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में 2 डेफिनेशन लिखेंगे, इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम 2 डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद फिर एक डेफिनेशन तो एक फॉर्मूला से निकलेगा और एक डेफिनेशन अपना होगा एकदम अपना, जिसको हम लोग वाकई में कहीं भी करेंट जहां पूछा जाएगा उसको यूज करेंगे हम लोग। और एक तो खैर अगर वो भूल गए तो फिर ये तो डेफिनेशन है ही। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कम से कम 2 तो बनाएंगे। तो अब बोर्ड तो मिट चुका है और नया डेफिनेशन भी हम लिख चुके हैं, आप लोग को लिखना पड़ेगा अलग से। देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अभी डेफिनेशन का हम बात कर रहे थे, इस फॉर्मूला का हेल्प से, आई इक्वल टू क्यू बाई टी से, कोई भी अगर डेफिनेशन लिखाने के लिए कहेगा तो, या लिखने के लिए कहेगा, तो क्या होगा? क्यू बाई टी यानी कि चार्ज बाई टाइम, जो ये वाला डेफिनेशन है, करेंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ये थोड़ा सा पटा सा डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, तो ये मतलब रत्ती भर का भी नहीं है, लेकिन अब पढ़ना है बेसिक में, यही आसान यही पढ़ना होता है, तो अच्छी बात है, ये हम लोग याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो नीचे वाला है, और एक और है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये भी सही है, मतलब स्टैंडर्ड है ये भी, ये और ये ज्यादा स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना ये और ये है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड का बात करें तो ये है। मतलब कि ओरिजिनल में करंट क्या होता है, तो करंट एक्चुअली एक ऐसा क्वांटिटी है जो अगर हम लोग को बता दिया जाए तो हम लोग पता कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि अच्छा चार्ज जो है वो समय के हिसाब से बहुत तेजी में जा रहा था। मतलब कि उसका स्पीड क्या था? चार्ज का ज्यादा था। स्पीड अगर चार्ज का ज्यादा है तो करंट भी जाता है। तो उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे?
करेंट इज ए क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर द रैपिडनेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो के रैपिडनेस, मतलब जल्दी जा रहा है या धीरे जा रहा है, ये पता करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल यानी कि यूज करते हैं वो क्वांटिटी है करेंट। ये डेफिनेशन अच्छा है ना, ये ज्यादा अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू दिस और विद रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन ये दोनों भी आसान है, ये फॉर्मूला पे बना हुआ है दोनों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा हाँ, अब रेट से हमको याद आया कि जब क्लास 9th में एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी आया होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या था एक्सेलरेशन। तो वहां पे रेट किसके जगह पे आया था, टाइम के जगह पे, यानी कि जहां रेट लिखा रहता है वहां ऑलरेडी टाइम इनबिल्ट रहता है, वहां लिखने का जरूरत नहीं है टाइम। रेट का मतलब ही यही होता है कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, तो रेट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम चार्ज का फ्लो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला में लिखा भी हुआ है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब तक तो शायद याद भी हो गया होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आई किसका सिंबल था, आई सिंबल था आपका करेंट का, क्यू किसका सिंबल था, क्यू सिंबल था आपका चार्ज का, टी किसका सिंबल है, खैर इसको तो पूछ के ही बेवकूफी की, टी तो टाइम का ही सिंबल है, ये तो सबको पता होगा। आई का जो ऐसा यूनिट है यानी कि अगर कोई करेंट निकाला तो बोलेगा ना कि हाँ भाई करेंट 10 क्या तो 10 एम्पियर। अब एम्पियर क्यों आया, क्योंकि आई को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम एम्पियर था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करेंट को खोजने वाला साइंटिस्ट था एम्पियर, तो अपना ऐसा यूनिट भी वही दे दिए जैसे हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना प्रेशर का पास्कल। पास्कल क्यों था किसी को नहीं पता, लेकिन क्यों, क्योंकि उसका खोज वो किए तो उसका नाम पे हो गया ऐसा यूनिट। वैसे ही यहाँ पे भी आई का खोज किए थे यानी करेंट का खोज किए थे एम्पियर, तो इनका एसआईएमटी अपने नाम पे दे दिए एम्पियर। कूलम इसका एसआईएमटी है किसका, चार्ज का। सिमिलरली सिमिलर प्रोसेस, इसका मतलब चार्ज का खोज कौन किए होंगे, कूलम साहब किए होंगे, तो अपना एसआईएमटी दे दिए कूलम। अब हम लोग को बस याद करना है करेंगे। टी का क्या है, सेकेंड, ओहो फिर से वही गलती, ये तो पता ही होगा। बस अब आई और क्यू ये दो चीज आया है पहली बार 10th में। आई का है किस, आई का एसआईएमटी क्या है एम्पियर, क्यू का क्या है कूलम, करेंट का एसआईएमटी एम्पियर, चार्ज का एसआईएमटी कूलम। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन अभी हम इसको मिटा करके लिख रहे हैं, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, वेट कीजिए। तो बात तो क्वेश्चन की थी, क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब आप लोग का ईमानदारी और विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर बनाना चाहते हैं तो पॉज करके बना सकते हैं, वीडियो तो पॉज आराम से हो सकता है, पॉज करके पहले बना लीजिए, अगर नहीं बने तो फिर हम बताने ही वाले हैं 10 सेकंड के बाद। हाँ तो चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला में इफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक सर्किट वाज 10 कूलम, तो 10 कूलम है चार्ज, चार्ज का सिंबल पहले बताए थे, भूल तो गए ही होंगे, क्यू था, कितना दिया हुआ है 10 कूलम, क्यों, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट कूलम था, याद आया कुछ, कूलम। एंड टाइम टेकन वाज 20 सेकंड, यानी कि टी भी दे रखा है, टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 20 सेकंड, मतलब क्यू भी दे रखा है और टी भी दे रखा है। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा है, करेंट, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है आई, तीनों सिंबल के फॉर्म में लिखे हैं, अगर आप चाहे तो करेंट पूरा लिख सकते हैं, टाइम पूरा और चार्ज पूरा लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फिजिक्स बना रहे हैं, न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो वहां सिंबल का ज्यादा महत्व है या इंपॉर्टेंस कहिए सब रखिए। तो अब फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, शायद मन में कुछ लोग बोले भी होंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आई ही तो नहीं दिया हुआ है, आई ही तो निकालना है, ठीक है, आई नहीं दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है 10 और टी 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आया कितना 1/2। पहली बात की फिजिक्स में डिवाइड में आंसर हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर हम लोग के मतलब रेंज में है तो कोशिश करेंगे उसको पॉइंट में लिखने का, 1/2 को अगर पॉइंट में लिखें तो कितना आएगा 0.5। अब हम थोड़ा पहले इसी बात पे डिस्कस किए थे कि 0.5 क्या, तो ऐसा ही है, और आई का ऐसा यूनिट क्या था एम्पियर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम एम्पियर। अब कुछ लोग चाहे तो बिना एम्पियर लिखे हुए सिर्फ ए भी लिख कर काम चला सकते हैं, यानी कि सिर्फ 0.5 ए लिखने से भी 100% सही है और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आप पहला समझ गए हैं तो फिर से वीडियो पॉज करके दूसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ तो चलिए आगे हम इसको भी बता देते हैं। करेंट इस बार दिया हुआ है इफ करेंट वॉज 10 एम्पियर, अगर यहां से ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो
तो यूनिट देख करके भी पता लगा सकते हैं क्या दिया हुआ है। एक इसका यूनिट था आई का, इसका मतलब दिया हुआ क्या होगा आई, आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर। एक चीज और दे रखा है इन 20 सेकेंड, सेकेंड किसका ऐसा यूनिट था टाइम का, यानी एक चीज और दे रखा है टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला था जिसमें आई दे रखा है नीचे वाला क्वेश्चन में और टी दे रखा है, इसका मतलब क्यू निकालने के लिए कहा होगा। वैसे आगे पढ़ते हैं, देन फाइंड द चार्ज ट्रांसफर, यानी कि क्यू ही निकालने के लिए कह रहा है कि क्यू बताइए कि कितना होगा। वापस से सेम फॉर्मूला, अब तक तो पूरा याद हो गया होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई कितना दे रखा है 10, क्यू पता नहीं, टी कितना दे रखा है 20। तो अगर यहां से क्यू निकालना हो तो ये तो डिवाइड में है, अगर इज इक्वल टू को उस साइड ले जाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्यू में अगर निकालना है तो 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 200। वापस से मेरा वही सवाल, 200 क्या, तो क्यू का असाइनमेंट क्या था कूलम, यानी कि 200 C, 200 कूलम, दैट्स ऑल। अब आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं। एक क्वेश्चन कराने से पहले एक और भी टॉपिक, टॉपिक नहीं एक्चुअली ये क्वेश्चन का ही पार्ट समझा जाए इसको, उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये कूलम चार्ज का क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज का यूनिट है, लेकिन हम लोग चार्ज पहले भी पढ़ रखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये हम शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब हम तो पढ़े हैं, आप लोग पढ़े कि नहीं पता नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये पढ़ना चाहिए था आई थिंक अप्रोक्सीमेटली क्लास 9 में, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मतलब कि अगर कोई अचानक से ये पूछ दे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग को यूनिटरी मेथड जो बचपन में पढ़े थे वो लगाना पड़ेगा। बचपन में कौन सा यूनिटरी मेथड, कि 5 रुपया में अगर एक पेन मिलता है तो 50 में कितना मिलेगा, तो उसके लिए पहले एक पेन का निकालते थे फिर वापस में 50 से मल्टीप्लाई करके तब निकलता था। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसा ही करना पड़ेगा एक्चुअली। अगर हम इसको बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको रिवर्स करके, क्या कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज मिल करके कितना इलेक्ट्रॉन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन। इसको उल्टा क्यों किए, क्योंकि हम लोग कूलम के बारे में पूछ रहा था, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पूछ रहा था, तो कूलम लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए था ना। आज तक जितना भी क्वेश्चन बनाए होंगे एक्स के क्वांटिटी का, उसमें लगभग सारा साइड, लगभग क्या हर एक क्वेश्चन में एक्स किधर लेते थे, घुमा फिरा के बाई साइड लाते थे, लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि वहां से हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा बनाना आसान हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पूछा था कूलम के बारे में, तो हम लोग कूलम को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, इसको लेफ्ट ले आए हैं, इसको राइट लेके चले गए। क्या लिखे हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितना, तो एक कूलम में कुछ नहीं करना है, एक को निकालेंगे क्या करते थे, इसे डिवाइड करते थे ना, बचपन में पढ़े हैं ये यूनिटरी मेथड, नया नहीं है। यानी कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, अब इतना मतलब कितना ये तो निकालना पड़ेगा ना, तो 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ नीचे था, अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻¹⁹ हो जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले जस्ट बताए थे कि पॉइंट ऐसे डिवाइड में हम लोग नहीं छोड़ते, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अगर कोशिश करने से शायद हो जाए, कैसे, 10⁻¹⁹ है और इसमें से एक 10 को हम उधार लेके इधर भेज दें, यानी कि एक 10 हम यहाँ लिख दें, तो यहाँ से एक पावर तो घटाना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 10⁻¹⁸ लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1.6 जो है वो तो जैसे का तैसे रहेगा, उसमें तो कोई फेर बदल तो किए नहीं है। अब 10 को अगर 1.6 से काटा जाए तो आता है 6.25, आप लोग कर लीजिएगा, समय बहुत है आप लोग के पास, अभी आएगा 6.25, और पावर यहां से कितना आया 10⁻¹⁸। क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, निकाल क्या रहे थे, अभी तक तो भूल भी आएगा कुछ लोग की, निकाल क्या रहे थे, 1 कूलम = 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। अब कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा था या एक कूलम बड़ा था, तो अंदाजा लगा लो एक कूलम बड़ा है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि छोटा सा देखने में तो लगा था एक कूलम, अरे वाह कितना आसान है एक कूलम, लेकिन एक कूलम चार्ज बनाने के लिए
इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग को चाहिए, कितना ज्यादा, 10^18 मतलब खरबों खरब इलेक्ट्रॉन मिलकर के केवल एक कूलम्ब चार्ज बनाता है। मतलब इससे अंदाजा लगा लो कि एक कूलम्ब चार्ज कितना बड़ा क्वांटिटी है जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन उसके खिदमत में जाता है, तब जा करके एक कूलम्ब चार्ज बनता है। तो अब हम लोग को इससे भी सवाल पूछता है, एक तो I=QT हम लोग सबसे पहले देखे ही थे, अब इससे भी सवाल पूछता है कि बताइए 10 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या दे देगा, बोलेगा बताइए कितना कूलम्ब चार्ज है। उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फर्स्ट वीडियो को। उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग हो सकता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी देख ले, लेकिन आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जिसको क्वेश्चन चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हम दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय।